केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा शनिवार को धर्मशाला स्थित जटाशंकर गुरुद्वारा पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया, जिसके संबंध में नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने बताया कि 30 मई को केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 7 वर्ष पूरे होने पर सेवा कार्य के तहत इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। नगर विधायक ने कहा कि रविवार को सभी कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना महामारी में अपने अपने क्षेत्रों में जाकर उनकी समस्याओं को जानेंगे तथा उनकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि सेवा कार्य ही सबसे अच्छा कार्य है। इस अवसर पर जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, ग्राम में कितना आता है? 350। 350 तो ग्राम में कितना आता है? उतना ही आता भी ग्राम में भी मशीन हमारी उसी पे सेट है, 350 का रुक जाएगी। अच्छा फ्लो ही रुक जाएगा जी अपने आप। तो आपको कितनी बार करते हैं? क्या अच्छाई महसूस किया? आपको लगता है बहुत अच्छा लगता है? ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के 7 साल पूरे हुए भारत के प्रधानमंत्री सम्मानी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अवसर पर समाज के बीच में जाना और सेवा के जो विभिन्न माध्यम ब्लड बैंक में उनमें से एक है, हर माध्यम का उपयोग करके नागरिकों के प्रति आभार प्रकट करना, राजनीति के खराब दौर में राजनीति के प्रति विश्वसनीयता जो मोदी जी ने बनाई उनकी इस विश्वसनीयता का संदेश, नागरिकों की यथासंभव मदद करना, और चूंकि ये एक आउटरीच है इसलिए उनसे बात करके उनकी समस्याओं को सुनना भी, जो अपने स्तर पर समाधान हो जाए ठीक है, जो नहीं हो पाए वो उसी स्तर तक उनकी समस्याओं को पहुंचाना है। ये हम लोगों ने एक आउटरीच कार्यक्रम तय किया है जिसके उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ ब्लड डोनेशन करा रहे हैं और ये कार्यक्रम अभी हम लोग का कल तक चलेगा। कल मैं स्वयं खलीलाबाद के गांव में जाऊंगा, नागरिकों के बीच में सुनता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं हमारी विधानसभा में तो नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्र के बीच में जा करके उनकी क्या समस्याएं इस कोरोना के दौर में उसका भी हम लोग।